इन लोग का एज कितना हो रहा है? अभी 38 डेज है। यूजुअली क्या होता है लाइक इतने एज में तो इतने हेवी पपीज होते नहीं है, तो क्या स्पेशल इस पपीज में? लेकिन मैं इसका पेडिग्री हिस्ट्री मैं आपको बता देता हूँ। फादर लाइन में जो है वो वर्ल्ड चैंपियन सासा का ग्रैंड डॉटर है, और अदर सड लाइन जो है मैंने बताया था आर्ची के साथ, ओना एक स्पेनिश इम्पोर्ट फीमेल है, तो उसका मेट हुआ था उसका मदर के साथ। मतलब इसका लाइन जितना सारा भी लाइन है वो मतलब यूरोप का टॉप विनिंग जो सारा डॉग है, तो वो डॉग सारा इसके लाइन में। तो आज हम लोग आ गए एक बहुत शानदार कैनल में, ठीक है। तो बेसिकली एक गोल्डन रिट्रीवर का कैनल है, तो बहुत शानदार शानदार पपीज हो रखे हैं यहाँ पे, इसीलिए हम लोग आए यहाँ पे। तो आपको भी दिखाएंगे, बहुत अच्छा कैनल है और बहुत अच्छे पपीज भी हुए हैं, तो सारा इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो वीडियो में बने रहिए। तो हमारे साथ भैया, तो वेलकम भैया। थैंक यू सो मच। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को। मेरा नाम संजीव है और मैं बेसिकली सोधपुर में रहता हूँ। मेरा जो लोकेशन है वो सोधपुर और मध्यमग्राम के बीच में है। अगर कोई मध्यमग्राम से आना चाहे तो मध्यमग्राम स्टेशन से एक टोटो लेकर आ सकता है, और सोधपुर से अगर कोई आना चाहे तो उनको ऑटो से आना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं लोकेशन बता दूंगा, मतलब जो अगर कोई इंटरेस्टेड है पप्पी के लिए तो मैं डेफिनेटली उनको लोकेशन बता दूंगा। वो लोकेशन आपका बेसिकली आप कौन सा ब्रीड पे डील करते हैं? बेसिकली मैं गोल्डन रिट्रीवर के ऊपर मतलब ब्रीड करता हूँ यहाँ पे। और गोल्डन रिट्रीवर का दो टाइप्स होता है, एक होता है यूरोपियन टाइप्स और एक होता है अमेरिकन टाइप्स। मैं यूरोपियन टाइप्स मतलब मेरा पसंदीदा है, तो बेसिकली मैं उसी स्टैंडर्ड को फॉलो करता हूँ। यूरोपियन करता है ना? हाँ, वो डिपेंड करता है ब्रीडर टू ब्रीडर। जैसे कि मान के चलिए आपका टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, आपको बिरयानी पसंद है या फिर आपको फ्राइडेज पसंद है, तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो लाइक ये लाइक डॉग हॉबी में कितने दिन से कैसे आए आप? लाइक देखिए, जो भी हम लोग जितने भी पेट लवर्स होते हैं, मतलब डॉग ब्रीडर होते हैं, सभी पहले पेट लवर्स होते हैं। तो कैसे, मतलब बचपन से ही पेट का शौक था, तो तभी से डॉग्स पाल रहा था। मतलब जैसे कि होता है ना स्ट्रीट डॉग्स, तो पहले हम लोग स्ट्रीट डॉग्स बहुत पालते थे, इधर उधर से जितना भी मिलता था बच्चा लेकर चले जाते थे। फिर उसके बाद जब थोड़ा बड़ा हुआ आफ्टर माध्यमिक, मैंने अपना पहला डॉग्स लिया, एक बीगल लिया था मैं उस टाइम पे, तो बीगल तो उसके बाद ब्रीडिंग करता था। फिर धीरे 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 जब थोड़ा मैच्योर हुआ, शो ग्राउंड में गया, शो देखा, तब गोल्डन रिट्रीवर के ऊपर थोड़ा इंटरेस्ट आया। फिर जब ब्रीड स्टैंडर्ड चेक किया तब पता चला कि गोल्डन रिट्रीवर में भी दो टाइप्स होता है, यूरोपियन टाइप्स अमेरिकन टाइप्स। और मुझे पता नहीं क्यों मुझे यूरोपियन टाइप्स बहुत ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि अगर ब्रीड स्टैंडर्ड चेक करो तो यूरोपियन टाइप बहुत स्ट्रांग होता है अगर मैं अमेरिकन से कंपेयर करूँ तो, और बहुत ज़्यादा बाई लुक्स मुझे ज़्यादा पसंद आया, तो इसलिए मैं यूरोपियन टाइप्स लेने के बारे में सोचा। फिर मैं बहुत सर्च करने के बाद एक अच्छा कैनल से एक अच्छा फीमेल लिया। फिर उस फीमेल को लेने के बाद मतलब फिर ऐसे ऐसे शो होता गया, विन किया, उसका बच्चा हुआ था, ऐसे ही बस चल रहा है धीरे धीरे। यूरोपियन रिट्रीवर मैं 3 साल से ब्रीडिंग कर रहा हूँ बेसिकली, और मतलब अभी तो मेरा ये सेकेंड लीटर ही है। तो एक जो क्वेश्चन है लाइक हमारे व्यूअर्स के मन में भी आ रहा होगा, तो ऐसा लाइक एज अ ब्रीडर, एज अ लाइक मैंने पेट डॉग शो में भी जाते, तो कुछ अचीवमेंट अपने बारे में बता दीजिए, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ लाइक जो भी डॉग लेता है बिफोर, मैंने डॉग लेने से पहले, डॉग से पहले आपको ब्रीडर के बारे में जानना पड़ेगा, तो थोड़ा सा एक बता दीजिए ब्रीफ में। मेरा मतलब जो फीमेल है वो मतलब जो जिस फीमेल का भी बच्चा हुआ, मैं उसी फीमेल का बात आपको बोल रहा हूँ। वो फीमेल है वर्ल्ड चैंपियन सासा का ग्रैंड डॉटर है। अच्छा। उसका जो फादर साइड लाइन है, मतलब मदर का जो फादर साइड लाइन है, उसमें एक आर्ची नाम का एक डॉग है, ठीक है, जो यूकेस बेस्ट साइड है। अच्छा। तो उस फीमेल के अंदर बहुत वर्ल्ड्स का जो अभी टॉप मोस्ट विनिंग डॉग है, जो सारा डॉग अभी विन कर रहा है, तो सारा लाइन उस फीमेल के पीछे है। तो उसका लाइन अच्छा है। लास्ट ईयर मतलब मैं अगर खुद का अचीवमेंट की बात करूँ तो मेरा ब्रीडिंग का पप्पी जो लास्ट ईयर बेस्ट पपी इन शो था गोल्डन रिट्रीवर स्पेशलिटी में, अब बहुत सारा बीओबी विन किया, बीओबी मतलब बेस्ट ऑफ ब्रीड बेस्ट इन शो लाइनअप बहुत सारा जीता है, सीसीस भी विन किया है, वो खुद का मेरा ब्रीडिंग का ही पप्पी। अभी मेरे पास मेरा जो लीटर है उसमें 4 पपीज है, 4 पपीज है ना? हाँ, 3 मेल 1 फीमेल है उस लीटर में। अच्छा, तो लाइक हमारे व्यूअर्स भी वेट कर रहे होंगे पपीज के लिए, तो चलिए पपीज देखते हैं। ठीक है, मैं अभी बाहर है तो मैं 4 को तो नहीं लेकर आ सकता, मैं 2 को लेकर आ रहा हूँ, देख लीजिए फिर मैं बात। तो देख सकते लाइक पपीज है भैया। तो फिलहाल इन लोग का एज कितना हो रहा है? अभी 38 डेज है, आज 38 डेज एज है, आज 38 डेज हो गया ना। तो लाइक यूजुअली क्या होता है लाइक इतने एज में तो इतने हेवी पपीज होते नहीं है, तो क्या स्पेशलिस्ट पपीज में, थोड़ा सा बता दीजिए। स्पेशलिस्ट मतलब अच्छे इतना एज में होता नहीं, ऐसा नहीं है, वो डिपेंड करता है ब्रीड के ऊपर। अगर डेफिनेटली फादर मदर अच्छा है तो बच्चा तो डेफिनेटली वैसा ही होगा,
तो एज के हिसाब से ठीक ठाक ही है बच्चा एकदम। और इसका पेडिग्री हिस्ट्री मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो फादर है वो डायरेक्ट यूक्रेन इम्पोर्ट है। हाँ, मैं केनाइन डाटा अगर कोई बात करेगा, मतलब बच्चे को लेकर कोई इंटरेस्ट है तो मैं उनको केनाइन डाटा डाल दूंगा, तो उसमें वो पूरा चेक कर सकता है, मतलब एफसीआई डाटा पूरा उसमें दिया हुआ रहता है। और इसका जो मदर है पप्पी का, ये मदर है वर्ल्ड चैंपियन सासा का ग्रैंड डॉटर है, जो मैंने मतलब बताया था आपको पहले जब आए थे आप, वो वर्ल्ड चैंपियन सासा का ग्रैंड डॉटर है। इसका जो मदर लाइन है वो है यूकेस बेस्ट साइट आर्ची नाम का एक डॉग है उसका, और ऊना नाम का और एक स्पेन इंपोर्ट फीमेल है। तो सारा ही इंपोर्ट लाइन है जितना भी इसके पीछे लाइन है, और ऐसा नहीं कि कोई भी ऐसा वैसा इंपोर्ट कर लिया, ऐसा नहीं है। वर्ल्ड का टॉप मोस्ट जितना सारा लाइन है वो सारा लाइन इस डॉग का पीछे है, ठीक है। और जैसे कि कोई अगर यहाँ पे आके लाइक वेरीफाई करना चाहता है जो आप बोल रहे हैं, लाइक देखिए सामने जो देख रहे हैं वो भी आपको हो सकता है फर्स्ट टाइम, देखिए आप जानता भी होगा, तो अगर आके कोई अगर पेपर्स चेक करना चाहता है तो डेफिनेटली चेक कर सकता है, और कोई अगर नहीं आके भी चेक कर सकता तो मैं भेज दूंगा एफसीआई जो पेडिग्री होता है फादर का, तो एफसीआई पेडिग्री वो मैं डाल दूंगा, और मदर का जो केसीआई का जो पेपर है दोनों ही मैं डाल दूंगा। विद इन टू मंथ्स के अंदर, टू टू थ्री मंथ्स के अंदर पेपर मिल जाएगा विद माइक्रोचिप, तो उससे प्रॉब्लम नहीं है। हमने रिटर्न रजिस्ट्रेशन भी कर लिया है तो उसका कॉपी भी मैं डाल दूंगा, तो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जो भी यहाँ पर ट्रांसपेरेंट है, लेकिन कुछ छुपा है? नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं है, जो भी है नॉर्मल जो प्रोसीजर होता है वो सब कुछ दिखा दूंगा, उससे कोई इश्यूज नहीं। तो और एक क्वेश्चन है, लाइक कितने साहब बोले चार पपीज हुआ, ठीक है, तो इनमें से मेल कितने फीमेल कितने? मेल मैंने पहले बताया था तीन मेल है, तीन मेल है, एक फीमेल है। अच्छा, एक फीमेल है। लाइक अगर आपको पसंद आ रहा है एक बार आप लोग सामने से दिखा दीजिए, तो आप भैया को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो भैया एक बार अपना नंबर और एक बार बता दीजिए। मैं अपना फ़ोन नंबर बता रहा हूँ 8697153204, ये मेरा कॉलिंग नंबर व्हाट्सएप नंबर दोनों ही यही है, ठीक है। मीन्स अभी अगर कोई बुकिंग करना चाहता तो कर सकता है? हाँ हाँ हाँ, कॉल करके बुक कर सकता है, सिर्फ मेल पपीज है क्योंकि फीमेल बुक हो चुका है, मेल बुक हो चुका है, हाँ सिर्फ मेल ही है, ठीक है। और आप कितने दिन के बाद पपीज लाइक रिलीज करते हैं? मैं 60 डेज के बाद करता हूँ, बेसिकली दो वैक्सीनेशन हो जाने के बाद फिर मैं पपीज हैंड ओवर करता हूँ। दो वैक्सीनेशन के बाद? हाँ। अगर कोई हमारे दोस्त अगर कोई बाहर से देख रहे हैं बंगाल के बाहर से, तो ऑल इंडिया डिलीवरी आप करा सकते हैं? हाँ, बेसिकली होता ही है ऑल ओवर इंडिया, इंडिया से बाहर भी होता है। मैं इंडिया का मतलब अंदर जो भी है, मतलब बाहर का स्टेट का मैं बता रहा हूँ, पहले का लीटर का जो मेरा बच्चा था वो भी बहुत सारा बाहर का स्टेट में गया है, जैसे कि दिल्ली में गया है, भुवनेश्वर में गया है, ठीक है, तो रांची में गया है, तो बाहर तो बच्चा जाता ही, अगर अच्छा बच्चा होगा तो डेफिनेटली बाहर तो डेफिनेटली जाएगा ही। और लाइक पपीज को देख के बहुत कोई का क्वेश्चन मन में आ रहा होगा, लाइक यूजुअली जो हम लोग का नॉर्मल व्यूअर्स है जो फर्स्ट टाइम पेट पेरेंट्स बनने का सोच रहे, तो हम लोग के नॉर्मली जो गोल्डन रिट्रीवर देखते हैं गोल्डन कलर का, ये थोड़ा सा अनोखा लाइक व्हाइट कलर का, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। वो एक्चुअली क्या है ना, मेरा जो लाइन है मतलब मदर तो ये फादर का जो लाइन है यूरोपियन में थोड़ा व्हाइट कलर का मतलब मैं प्रेफर करता हूँ बेसिकली, ये थोड़ा यूनिक भी है, और डॉग बिल्कुल फुल मिल्की व्हाइट नहीं होता है गोल्डन रिट्रीवर, थोड़ा उसमें गोल्डन साइड रहता है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दिखने में व्हाइट ही लगेगा, क्योंकि इसका मदर को मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, तो इसके बाद तो देखेंगे तो और भी ज्यादा पता चल जाएगा कि किस टाइप का होगा, ठीक है। तो कितने सेट्स में होता है लाइक टोटल, लाइक गोल्डन? गोल्डन बहुत सारा सेट्स में होता है बेसिकली, ठीक है, लाइट गोल्डन से शुरू करके डार्क गोल्डन तक होता है, लेकिन डार्क गोल्डन ही, हाँ उसमें रेड टाइप्स कलर नहीं आएगा, ठीक है, ये गोल्डन का स्टैंडर्ड। तो गाइस हमारे साथ जो आपने लीटर देखे थे उसकी मदर है, तो इसके बारे में जान लेंगे सबसे पहले भैया से, तो भैया इसके बारे में बताइए जिसके लिए सबको वेट कर रहे होंगे अभी तक। ये पपीज का मदर है, तो अभी मैटरनिटी टाइम पे है। अच्छा। तो थोड़ा सा सेडिंग हो गया है, ठीक है, तो ये तो नॉर्मली होगा ही, तो बेसिकली अभी कंडीशन में नहीं है तो इसलिए थोड़ा सा मतलब पतला सा दिखेगा, लेकिन मैं इसका पेडिग्री हिस्ट्री मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो मदर का जो मतलब फादर लाइन में जो है वो है वर्ल्ड चैंपियन सासा का ग्रैंड डॉटर है, और अदर साइड लाइन जो है मैंने बताया था वो यूकेस बेस्ट साइड आर्ची जो है, आर्ची के साथ ओना एक स्पेनिश इम्पोर्ट फीमेल है, तो उसका मेट हुआ था उसका मदर के साथ, मतलब इसका लाइन जितना सारा भी लाइन है वो मतलब यूरोप का टॉप विनिंग जो सारा डॉग है, तो वो डॉग सारा इसके लाइन में, इसके लाइन में ना। हाँ। तो आप लोग देख सकते हैं एक बार, लाइक एक रिक्वेस्ट होगा एक बार विनी को क्लोज से दिखा ले। तो भैया लाइक विनी जब लाइक अभी तो पपीज हुआ था, नॉर्मल बात है, थोड़ा सा अपने कंडीशन में नहीं होगी, जब ये कंडीशन में थे उसके कुछ वीडियोस या फोटोज मुझे भेज दीजिए, वीडियोस मैं डाल देता हूं, आप डाल सकते हो। विनी है, विनी का डॉटर भी एक मेरे पास है जो मैंने रखा है, ठीक है, तो वो भी मतलब अभी कोट उतना ज्यादा नहीं है, अभी थोड़ा शेडिंग हो गया है, फिर भी अगर भैया कोई आके लाइक पपीज देखना चाहता तो आ सकता है? डेफिनेटली आ सकता है, कोई इश्यूज नहीं है, अगर बाहर का स्टेट से कोई रहता है
तो उनको तो वीडियो कॉल में दिखा सकते हो या फिर मैं वीडियो भेज सकता हूँ जिसमें पता चल जाएगा उनको। इसका मदर के भी बहुत सारा विनिंग है, ठीक है, वो मैं डाल दूंगा, और मतलब जितना सारा भी इसका हिस्ट्री है मैं K9 डाटा डाल दूंगा, तो सब कुछ पता ही चल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप लोग चेक कर सकते हैं जो भी मिस बात किया है, K9 डाटा नीचे मेंशन कर दूंगा मैं। तो गाइस मुझे पता है आप लोग किस चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं, आप लोग प्राइस के लिए वेट कर रहे होंगे, तो मैं डायरेक्ट भैया से ही पूछ लूँगा। तो भैया एक अप्रोक्सीमेट प्राइस भी बता दीजिए, पपीस का कितना प्राइस है? देखिए मेरा पपीस का प्राइस रहेगा, इस पपीस का 50,000 फॉर मेल। तो मेल पपीस का प्राइस 50,000, क्योंकि फीमेल आपने बताया बुक हो चुका है, फीमेल बुक हो चुका है, तो फीमेल तो डेफिनेटली फॉर सेल नहीं है। तो लाइक 50,000 प्राइस है। अगर आपको चाहिए, अगर आप शो करना चाहते, लाइक ऐसा कुछ है आपका क्राइटेरिया जो मैं शो घर पे ही देना या कुछ भी क्राइटेरिया? देखिए मैं ये चीज बोलूंगा कि ये जितना सारा पपीज है ये शो के लिए ही बेस्ट है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब मान के चलिए मैं बोल दिया कि शो करेगा और बाद में जाकर नहीं रुका, तो मतलब नहीं स्टैंड किया, तो फिर तो आप बाद में बोलेंगे। मैं इतना आपको कह देता हूँ कि इसका मदर वदर का जितना सारा भी लाइन है तो स्ट्रॉन्ग है, तो डेफिनेटली पपीस शो कर सकता है। देखिए मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो एक अच्छा घर, अच्छा घर, ठीक है। अगर वो लोग शो करना चाहता है तो डेफिनेटली शो कर सकता है, और मैं इतना अपना तरफ से एश्योरिटी दे सकता हूँ कि इसका जो पपीस है ना वो डेफिनेटली बाद में जाके विन करेगा। ऐसा नहीं कि विन नहीं करेगा, मैं बस ऐसे ही बोल दिया फॉर सेल, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मेरा इसका पहला भी जो लीटर है वो बहुत सारा बच्चा शो में बहुत विन किया है, ठीक है। ऐसा नहीं कि पेट शो में सिर्फ विन किया है, KCI शोज में भी बहुत सारा विन है। मेरा पपी स्पेशलिटी में बेस्ट इन शो मेरा पपीज है। लाइक फर्स्ट प्रायोरिटी यही है जो लाइक घर अच्छा मिलना चाहिए, घर अच्छा मिलना चाहिए, ठीक। अच्छा, और एक क्वेश्चन जो लाइक बहुत ज़्यादा हमने सुना है, जो यूरोपियन जो गोल्डन रिट्रीवर है उनको एसी मस्ट है, लाइक पूरा मैंने 24/7 एसी में रखना पड़ता है, ये चीज़ के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। ऐसा कभी नहीं, कोई भी ब्रीड जो होता है किसी भी ब्रीड को आपको 24 आवर्स कभी भी एसी में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि देखिए अभी देखिए मैं बाहर हूँ, गार्डन एरिया में मैं हूँ, मैं वो डॉग बाहर ही रहता है, आप जब से आए हो बाहर ही है, तो ऐसा इश्यूज नहीं है। डेफिनेटली एसी में रखना चाहिए, जब बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी का टेम्परेचर होता है तब हम लोग सजेस्ट करते हैं एसी में रखो, लेकिन आप नॉर्मल पंखा चला कर भी उसको रख सकते हो, ऐसे नहीं 24 घंटे आप पंखा चला के रख सकते हो, मैं ऐसा बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा। एसी डेफिनेटली ज़रूरी है। एसी किस काम के लिए, एक तो होता है इनका हेल्थ अच्छा रहता है, और दूसरा जो होता है इसका कोट बहुत मेंटेन रहता है, अच्छा, क्योंकि थोड़ा ठंडा टेम्परेचर में, लेकिन आप नॉर्मल में भी रख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आराम से रख सकते हो। एसी जरूरत है, लाइक जैसे हम लोग को गर्म लगता है तो एसी का जरूरत है, तो ऐसे बिल्कुल बिल्कुल सेम है। लेकिन दोपहर में जो गर्मी पड़ता है, ठीक है, और अभी तो इस साल तो गर्मी के टाइम पे बहुत ज्यादा गर्मी आ गया था, तो उसके लिए हम लोग बोलते हैं कि आप थोड़ा सा एसी को मेंटेन कीजिए। गोल्डन रिट्रीवर का एक्सरसाइज नीड क्या है, लाइक कितना एक्सरसाइज उसको जरूरत है? देखिए गोल्डन रिट्रीवर को ज्यादा एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत आपको वर्किंग ब्रीड की तरह उसको बहुत वॉक की जरूरत है, ऐसा नहीं। हाँ डेफिनेटली हर ब्रीड को घूमने में अच्छा लगता है। अगर आप मान के चलिए कि आप एक जर्मन शेफर्ड को जितना एक्सरसाइज की जरूरत है, गोल्डन रिट्रीवर को कभी उतना एक्सरसाइज आप नहीं दे सकते। तो नॉर्मल क्या होता है, अगर आपका बड़ा घर है तो आप घर में खुला रखोगे तो एनफ है उसके एनफ है ना। हाँ, अगर आपका छोटा स्पेस है तो हम लोग सजेस्ट करते हैं कि वीकली 3-4 डेज आप कोशिश कीजिए एक लीज लेकर नॉर्मली उसको बाहर लेकर निकले, बाहर लेकर निकले, और लीज का हैबिट जरूर रखिए आप। जैसे कि आप मान के चलिए अगर मैं ये लीज छोड़ भी दूंगा तो स्ट्रेट रहेगा, स्ट्रेट रहेगा, तो लीज का हैबिट होना बहुत जरूरी है डॉग्स के लिए, ठीक है, क्योंकि उसको उनको क्योंकि उनको क्या है ना लीज का हैबिट से क्या होता है, उसको रास्ते में चलना फिरना तो अच्छा रहता है, क्योंकि अगर आप हैबिट नहीं रखोगे तो इधर उधर भागेगा दौड़ेगा, तो उसके लिए हैबिट रखना बहुत जरूरी है। और लाइक गोल्डन रिट्रीवर का जो हम लोग देख पा रहे इतना ज्यादा फर है, तो एक ग्रूमिंग नीड कितना, लाइक दिन में कितने बार ग्रूमिंग करना पड़ता है? वैसा कुछ नहीं है गोल्डन रिट्रीवर का कि आपको दिन में 3-4 बार ब्रश करना पड़ेगा, या ऐसा कुछ नहीं है। मैं बेसिकली सजेस्ट करता हूँ 10-15 डेज में आपको एक बार उसको नहाना पड़ेगा, एक अच्छा सा शैम्पू यूज कीजिए, जो भी होता है अच्छा शैम्पू, कंडीशनर पॉसिबल हो सकते तो लीजिए, क्योंकि बहुत समय क्या होता है कोट थोड़ा रफ होता है, ठीक है, वो मतलब किसी भी कारण से हो सकता है, तो उसके लिए आप कंडीशनर यूज कीजिए, एक अच्छा शैम्पू यूज कीजिए, नॉर्मल एक अच्छा ब्रश यूज कीजिए, कोशिश कीजिए कि दिन में एक बार हो कि 2-3 दिन में एक बार हो ब्रश कर दीजिए, उससे ज्यादा कुछ मतलब ऐसा नहीं कि बहुत सारा मेंटेनेंस की जरूरत है। और हाँ एक हैबिट आप रखिए किसी भी ब्रीड का, नेल कटिंग का हैबिट आपको छोटा हिस्से रखना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि अगर छोटा हिस्सा आप नहीं रखोगे तो बाद में जाके दिक्कत होगा। आज के लिए इतना ही, तो आप लोग देख सकते हैं विनी है, तो आपको वीडियो कैसा लगा, चैनल कैसा लगा, थोड़ा सा एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए कैसा लगा आपको वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और शानदार चैनल में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू। विनी बाय कर दो सबको, बाय बाय।